नहीं ए बाबू क्यों 12 बजे आएगा तो हम 12 बजे ले तो आप लोग शाम हो चुका है। Here we go. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं जो ग्रामीण कोटा में काम करता हूँ वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ ग्रामीण कोटा में, क्या ड्यूटी है, क्या वर्क है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो सब मैं आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ। मैं ब्रांच से 6:15 में मैं निकल चुका था और अभी टाइम 6:30 हो रहा है और मैं ब्रांच से 1 किलोमीटर आगे हूँ और मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग यहाँ से शुरू करूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत खास है तो चलते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ से हम लोग साहेबगंज की तरफ जाएंगे, पहले यहाँ से टर्निंग लेंगे। अभी दिन भर में टाइम नहीं मिलता है तो कुछ नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता नहीं सिर्फ चाय, नींद सुबह सुबह थोड़ा चाय पी लेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर चाय पहले पी लेते हैं तब यहाँ से निकला जाएगा। चाय दीजिए, चाय नहीं दीजिए, चाय और नहीं, चाय नहीं भैया, चाय नहीं, चाय नहीं, नहीं है, दूध नहीं है तो, ओ दूध नहीं है, ठीक है, आज पकड़ी है केवल दूध नहीं है, अच्छा ठीक, बताइए पता नहीं आज मिलेगा कि नहीं चाय हो, तो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, यहाँ से 25 किलोमीटर आगे जाना है और वहाँ से मीटिंग शुरू होता है। पेट्रोल का जो क्वालिटी है मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे दीजिए 100 का दीजिए। अभी नए नए स्टार्ट किए हैं, अभी स्टार्टिंग किए हैं ब्लॉग में। पूछ रहे थे कि अब ब्लॉगर है क्या, क्योंकि चाय मेरा फेवरेट है, बिना चाय का तो मैं नहीं निकलता हूँ। चाय मिलेगा, यहाँ मस्त गरम गरम चाय मिल चुका है, चाय पीएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कब ब्रांच पे पहुंचेंगे, 3 बजे कि 4 बजे शाम को कि 5 बजे कि 6 बजे, कोई गारंटी नहीं है। इतना पहले हम लोग पहुँचेंगे, पहुँचेंगे ब्रांच, इसीलिए चाय पी लेते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट चाय है। चाय नहीं पियेंगे तो मेरा सब बात हो जाएगा, कम से कम खाना मिले या ना मिले दिन में चाय मिलना चाहिए, कम से कम 2-3 जितना मिल जाए कम है मेरे लिए चाय। एक छोटा सा मार्केट है इधर,
कितना चाहिए? हाँ? कितना चाहिए? अब काट पीट के दे दीजिएगा तो 1 लाख तो हो जाएगा। चांदा देवी नहीं है, पुराना आदमी जाएगा उनका। चांदा देवी का 75,000 रुपये पास हुआ है, हमारा कितना होगा? अब आज ना बता रही हैं तो हमको अगला हफ्ता। यहाँ पे साइन कीजिए लो, जो जो आए हैं लो पहले साइन कीजिए लो। अगला हफ्ता में हमको चाहिए, फार्म भरना चाहिए, ठीक है? अगला हफ्ता में वहाँ पे 1 नंबर में साइन कीजिए। मम्मी नहीं आई है बाबू, क्यों? उनको भेजना होगा मीटिंग में, अगले मीटिंग के भेज। ये मतारी के जो अगला मीटिंग फोटो खिंचाया वाला, अभी तो 10 आदमी बाकी है आना। ये जी सुनिए, नहीं मीटिंग खत्म होने के बाद ही जाना है। ना ना, हम गेहूँ धो कर आया है, पसारे भी नहीं है। ये भी तो जरूरी है ना, ये भी तो जरूरी है ना। 12 बजे आएगा तो हम 12 बजे ले आ। तो आप लोग ग्रुप में है लोग, सबको बुलाइए ना, सबको बुलाइए, टाइमिंग से बुलाइए, 8 बजे यहाँ बुला लीजिए ना। ग्रुप वाला आदमी जाने, हम नहीं जाने। अच्छा, उठाया है तो हमको कौन बोला है? पबनी ना है, पबनी नहीं आज। पबनी दीजिए इधर, ठीक है? मम्मी के नाम ले। चांदा देवी, तो क्यों लेट किए हैं आज आप? पैसा पैसा आपका 75,000 रुपया पास हो गया है। आ जाएंगे? हाँ आ जाइएगा, बुलाएंगे। नहीं 12 बजे बुलाएंगे वहाँ पे आपको। चांदा देवी का पास हुआ है कि नहीं? ये इन्हीं का नाम ना चांदा देवी, इनका है। वो तो नया मेंबर है ना, नया मेंबर में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना? 3 रुपया कम था। ठीक है, तो आप आइएगा 12 बजे करीब में, तैयार रहिए। और आपका 2-3 दिन में हम बता रहे हैं, ठीक है ना? आपको बताए होंगे ना सर, 45,000 तक आपका पास होगा, नया मेंबर में 45,000 पास होता है, ठीक है? तो मीटिंग यही क्लोज किया जाए, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही टाइम पे आने का कोशिश कीजिए लो, अगले हफ्ते ऐसे ही टाइम पे आने का कोशिश कीजिए लो। 200 रुपया कम था तो सर जी, अपनाओं का अगला ही लोन 1 महीना पर कोशिश कर, हम तो वही टाइम से आए। ठीक सर, आज पुलिस चले आ गया, लगा सका हो गया, सब हो गया। चुके हैं अब यहाँ पे मीटिंग हो रहा है। भेजला पर जेबो न करल छी, कहाँ चल गेल सारे? एक परमिला देवी इसमें बाकी है, परमिला बबीता मोबाइल घोड़ी छोड़ के गेल, दो आदमी ना बाकी है। आए कि ये जो नाम है रंजू देवी, उसको बुलवाइए। सुनिए सोनी देवी का आप मतलब वोटर आई डी कार्ड उनका बेटा, हाँ मोबाइल पर भिजवा दीजिएगा, अपडेट कर देंगे, तब उनका पैसा लोन पास हो जाएगा, इसीलिए उनका मतलब पास नहीं हो रहा, अपडेट करना पड़ेगा। क्या नाम बोलिए ना आप? परमिला देवी का। हमारा भी कर दीजिए, एक ही लोन है ना आप? हाँ पास होगा आपका। ए मारे थे साइड, फेल हो गया था, ठीक है ना? फिर एक बार मारेंगे, सिस्टम में डालना पड़ता है। तो टाइम पर आइए लोग, ठीक है? और मीटिंग को ऐसे ही समाप्त कीजिए लोग, ठीक है ना? थोड़ा टाइमली लाइए, ठीक है ना? आज इतना शाम की है तो आपके वजह से हुआ है। तो गाइस अभी हम बिहानपुर पहुँच गए, सब मीटिंग खत्म करके, पूरा मीटिंग खत्म हो चुका है। यही रोड पीछे जाएगा साहेबगंज, 3 किलोमीटर है यहाँ से साहेबगंज, और ये सीधा रोड निकल जाएगा मोतीपुर। तो गाइस अभी टाइम बज रहा है, आपको वही देख बताते हैं आपको टाइम कितना हो रहा है यहाँ पर।
टाइम इसी में भी देखा देगा, 5:08 यहाँ पे मीटर में आप देख सकते हैं, 5:08 आपके मीटर में देखा देता है डिजिटल में। तो 5:08 हो गया, सब मीटिंग खत्म हो गया। तो गाइस यही रोज प्रतिदिन यही होता है, तो अगर आपका पैसा कहीं भी गड़बड़ाएगा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 10 रुपया, आपको अपने पॉकेट से खत्म होता है। तो गाइस बहुत लेट हो चुका है, यहाँ से अभी 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से बड़ा। और मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था गाइस। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मतलब पैसा सब रहता है, पैसा कलेक्शन करना रहता है, ये सब में कहीं गड़बड़ी हो जाए, फिर हर एक जगह लेट होता है, कहीं पैसा फंसता है, फिर रुकना पड़ता है, अब वो सब चीज़ तो आप लोग को नहीं देखा है भाई। इसीलिए बस हम तो यही देखाना था कि हाँ यहाँ पे ऐसे काम कैसे होता है। अभी भी ड्यूटी नहीं, वहाँ हम सुबह के 5:30 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठ कर पूरा रेडी भी होकर 6:30 बजे निकल जाते हैं, ठीक है। 6:30 बजे से निकलते हैं लोग, तो शाम को कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी कभी तो 9 भी बज जाता है 10 भी बज जाता है रात, ये भी होता है इस काम में। फिर उसके बाद 10 भी बज जाएगा रात तो नहीं गए ब्रांच पे पैसा दे दिए, नहीं वहाँ पे जाने के बाद 10 बजे के बाद भी आपको अपना जो काम है ब्रांच का वो काम करना ही है। सब कोई अपना ब्रांच का काम करके आपका जो एसी में होगा काम वो छोड़ देगा, तो फिर आप वहाँ पे जाइएगा अपना काम कीजिएगा, जब तक पूरा काम खत्म ना होगा तब तक के लिए कोई आराम नहीं है। पूरा शाम हो चुका है, छः 15 हो रहा है गाइस, 6:15 में पहुँचे हैं ब्रांच और अब पूरा शाम हो चुका है। अब कम नहीं हो सकता, निकल रहा है पासबुक में ना, अब ना अब तो निकल गया है ना, अभी अभी नहीं हो सकता। लोन पास हुआ है, आपको भी 20,000 पास किया, 65 नहीं हुआ है। देखिए सर पूछेंगे, हम बतला देंगे कि ना 500 रुपया कर दीजिए कि जल्दी सज जाए, 20,000 रुपया तो इतना ही ले जाइएगा साल भर, आप 2 साल का। ठीक है जाइए, 6:30 हो गया, 7 बज जाएगा, रात हो जाएगा जाते जाते। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, आइए सब फॉर्म भरना है। आप देख सकते हैं जो ये आज लोन पास हुआ है, तो ये सब का फॉर्म भर कर और इसका एक फाइल में रखना है इसको, तो यही काम रहता है रात को। अभी ये काम 10 बजे तक ख़त्म होगा और सब भी है लोग, और अभी हम इधर हैं, फाइल बंच उस करके यहाँ पे रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप CCTV कैमरा देख सकते हैं, और यहाँ से आज के डेट में थी निकालना है टॉप सीट, आज के डेट में नहीं कल के डेट में टॉप सीट यहाँ से निकलेगा। तो गाइज मैं जो ग्रामीण कोटा में काम करता हूँ वो आप ब्लॉग में देख ही सकते हैं। तो गाइज आप सब बताओ कि ब्लॉग में कौन सा पार्ट आप लोग को अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आप लोग को अच्छा नहीं लगा, कमेंट करके बताओ। और मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग टॉप सीट से जो डिमांड जो है वो पैसा लाने जाते हैं, अगर कोई 5 नंबर का पैसा फंस रहा है तो अपने जेब से लगाना पड़ता है, और मुझे यही रूल कंपनी का अच्छा नहीं लगता है। तो आप सब बता कि ये कंपनी का रूल अच्छा है या नहीं। और एक बात और कि खाना पीने का कोई लिमिट नहीं है, कभी खाना खाने का टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और है जो भी है तो आप लोग में देख ही सकते हैं। तो गाइस मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो गुड बाय।